आईबीसी कानून सफल हो रहा है, ये कहना है आईबीसी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर एमएस साहू का। उन्होंने कहा कि करीब 200 कंपनियों में प्रक्रिया पूरी हुई है, जबकि 100 कंपनियों में आईबीसी की प्रक्रिया जारी है। डॉक्टर एमएस साहू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस तरह से एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया आईबीसी कानून को लागू हुए है, तो ओवरऑल आप किस तरह का परफॉर्मेंस देखते हैं? हमारा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा रहा है। इतना जल्दी कोई एक लॉ बनाना और इसको इम्प्लीमेंट करना, इससे हमारा पास एक प्रेसिडेंट हमारा कंट्री में या बाहर देश में अभी तक नज़र नहीं आया हुआ है। एक दो साल का अंदर में, जैसे कि आप देखो लॉ बना है मई 2016 में, 1 अक्टूबर 2016 में IBBI बना है, एंड 1 दिसंबर 2016 में ट्रांजेक्शन शुरू कर दिया गया है। फर्स्ट मैटर वाज एडमिटेड 17 जनवरी 2017, दैट वाज इनोवेंटी। सो आज तक 1000 कंपनी आर अंडरगोइंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। सारे फ्रेमवर्क है, 12 बेंच NCLT का है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल 2000 है, IBBI है, 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है, 1 इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, सारे फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंस के लिए रिजोल्यूशन, फास्ट ट्रैक, लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन, ये सारे प्लेस में है। और आउटकम, जैसे कि मैं कहा 1000 एडमिट हुआ है, इससे 200 कंपनी का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, इससे 150 कंपनी करीब लिक्विडेशन में गए हैं, 40-45 कंपनी रिजोल्यूशन में गए हैं। और जो रिजोल्यूशन में गए हैं, यहाँ रिकवरी बहुत अच्छा हुआ है। इफ यू सी लिक्विडेशन वैल्यू का कंटेस्ट में देखोगे तो आप देखोगे तो कितना पैसा मिलना था और कितना मिला, इतना अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन क्या मिल सकता था और इसी कंपेरिजन में क्या मिला है, ये बहुत अच्छा हुआ है।